रविदास जयंती की संध्या पर हिम्मत की बूटी छात्रों को पिलाई गई। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के इस शेर को आज जिला गाजीपुर से 26 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत मुर्की खुर्द में कायम शम्स मॉडल स्कूल के बच्चों से खताब करते हुए मेहमान खसूसी एमएच इंटर कॉलेज के लेक्चरर शाहजहां खान ने कहा। इस पूरे शेर के जरिए मतलब बयान करते हुए कहा कि कुछ पाने के लिए और बनने के लिए अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। हमें अपने बड़ों से हमेशा सीख लेनी चाहिए, ये कर्म ऊपर से नीचे तक पहुंचनी चाहिए, और हमेशा जब सीखने की ख्वाहिश होगी तभी कामयाबी यकीनन मिलेगी। इस मौके पर लॉकडाउन में दर्जा 9 का यूपी बोर्ड का तालिब इल्म अदनान सैफ ने गांव के सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाने पर स्कूल समिति के जरिए मेहमान खसूसी द्वारा मुख्य अतिथि के जरिए इस बच्चे को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। इस मौके पर ख़ास तौर पर प्रिंसिपल राजदा खातून, जयप्रकाश प्रजापति, विनोद राम, ललिता यादव, राम आशीष यादव, अदनान रजा, सारा जावेद मुख्य रूप से मौजूद थे। जिला गाजीपुर से इजहार खान की ग्राउंड रिपोर्ट। इनसे बेहतर करने की कोशिश होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं और आप लोगों से गुजारिश भी करता हूं कि आप लोग इनसे बेहतरीन तरीके से पढ़ें और अपने जिंदगी के मामलात को, अपने जिंदगी के हर काम को अच्छे तरीके से करें। शायद आपको मालूम नहीं होगा, मेरा घर यही है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, लेकिन इत्तेफाक से मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरा घर अब रवानिया हो गया है, नई बाजार गांव है, हमारे दादा और यहाँ से मिले गए, ठीक है ना। तो मैं यही बदलने वाला हूँ, आपका भाई लगा हूँ, और ये हमारे बड़े भाई जैसे इनके एक बुलावे पर हम नहीं, हमसे बड़े बड़े लोग शिक्षा को प्लेयर्स बड़े बड़े एक बार ये आवाज होगी इंशाल्लाह चला इनके कदम से कदम मिलाकर हम यहाँ आ सकते। और आते आते ये इतनी कम संसाधन के दरमियान इतना बढ़िया इतना खूबसूरत स्कूल बना करके इनके बच्चे माशाल्लाह। और आप मेरा कोई बड़ा पढ़ा रहा, मेरा कोई भाई पढ़ा रहा, मेरा कोई बाप पढ़ा रहा, ये कम जगह होता। आज के दौर में नौकरी लोग समझते हैं कि बस नौकरी मिल गई, बस हमारा काम एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा, पांच घंटा, जो भी है करके चले। नहीं, हमको आप मेरे हो, आपको संभालना मेरा काम है। मैं आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं पूरे हिंदुस्तान फुटबॉल कलेक्टर पूरे हिंदुस्तान को घूमता हूँ और पूरे हिंदुस्तान को जब देखता हूँ और अपने इलाके में देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में तो बहुत बेहतर है। अगर दिक्कत नहीं है तो हमारे बड़ों में, आप लोगों में नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। आप लोग बस एक लाइन एक रास्ता तरीका पकड़ लो, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों पर आएगा। मेरा शेर जो था वो यही था, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, अगर दुनिया में कुछ बनना है तो अपने आप को समझो कि क्या है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आप देखो बच्चों में जब दाना डालते हैं तो अपने वजूद को खो देता है और उसी मिट्टी से एक बेहतरीन कली निकलती है, खूबसूरत। तो अपने वजूद को मिटाने के बाद यानी आप अपने काम को ऐसे बना लो, ऐसे कर दो, उसमें लगा दो ताकि आपकी जिंदगी सवर जाए और आपको देखने वाले आपके घर के तमाम लोग आपसे बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा रखे हुए, सपोर्ट करते हैं। ये मत देखो कि ये छोटा है, बड़ा है, ये है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है और एक्स्ट्रा करिकुलर, इसके अलावा जो गाना गाता है गाना गाए, जो डांस करता है डांस करे, जो स्पोर्ट्स करता है स्पोर्ट्स करे, जो अच्छा स्पीच
देता है वो भाषण, ठीक है ना। ये बहुमत के अलावा एक्स्ट्रा कर